अपने अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि ध्वज वंदन करने की कृपा करें। श्री अनिल मिश्रा जी और आशुतोष पाटिल जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रगीत के लिए। शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, भारत। सभी मित्रों, मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि एक लंबी गुलामी के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो हमारी कौन सी व्यवस्था होगी उसको लेकर के काफ़ी प्रयास किए गए, और अंततोगत्वा ये स्वीकार किया गया कि भारत एक गणतंत्र होगा जिसमें लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाएंगे, वही लोग देश में शासन करेंगे और एक न्यायपालिका होगी। तो इस गणतंत्र की स्थापना के साथ ही भारत राष्ट्र की यात्रा शुरू होती है, जिसके सपने बहुत पहले जहां हम खड़े हुए हैं, जिनका ये स्मारक है सावरकर, और उनके जैसे अनेक वीरों ने उसमें अपनी कल्पना में अवधारित किया था। भारत राष्ट्र जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि भाषाई रूप से, सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से जिनकी एक सामान्य पृष्ठभूमि थी, एक कॉमन पृष्ठभूमि थी, और जो एक लंबे समय से चली आ रही थी उनकी एकता करना और इस आधार पर एकता करना। लेकिन उसमें जो बाधाएं थी, जैसे जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, यहाँ तक कि आर्य और अनार्य, द्रविड़ और आर्य को लेकर के भी तमाम झगड़े जो पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, इन सभी चुनौतियों को उनका सामना करना भी एक बड़ा काम था। तो वीर सावरकर ने सब लोगों के इस तरफ आगाह किया कि धर्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक इतिहास है, हम उस पृष्ठभूमि पर, उस जमीन पर खड़े होकर के अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, और इस नाते से जितनी छोटी छोटी बातें जो विभाजनकारी तत्व हैं उनसे हमें लड़ना पड़ेगा और उनको दूर करना पड़ेगा। आज इस अवसर पर हम उनको याद करते हैं, और जिस जगह पर खड़े हुए हैं उन्होंने देश को एक क्रांति दी। क्रांति की जो स्पिरिट होती है, एक लोगों में बिगुल बजाने की, उनके अंदर जगाने की बात, वो लगातार उन्होंने किया अपने लेखन के माध्यम से, अपनी क्रांतियों के माध्यम से, पूरे देश में घूम घूम करके जहाँ जहाँ भी हो सकता था सबसे लड़ करके
और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनके सामने बहुत सारे विकल्प थे, वो चाहते तो कांग्रेस में शामिल हो सकते थे और शामिल हो करके जैसे लोगों ने सत्ता पाई वो सत्ता के अंग हो सकते थे, लेकिन ये बात उनको स्वीकार नहीं थी। इस नाते से उन्होंने सोचा कि आज़ादी का मतलब तब तक नहीं होगा जब तक कि हमारे अंदर विभाजनकारी तत्व मौजूद रहेंगे। इसलिए उनके उनका सारा का सारा प्रयास पूरे जीवन भर इस बात को लेकर के रहा कि देश के वास्तविक जो राष्ट्र की संकल्पना थी वो किस प्रकार से की जाए, लेखन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और कर्तव्य के माध्यम से वो लगातार प्रयत्नशील रहे। तो आज हमारे लिए भी ये अवसर है कि उन मूल्यों को पहचाने और जितना हो सके अपने जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय जीवन में उन सभी चीज़ों को लाने का प्रयास करें, जिससे कि ये न केवल हमारी ये स्वतंत्रता छोड़ रहे बल्कि देश का विकास हो, इसको मजबूती मिले और एक लंबे सफ़र पर हम चल सकें जो विकास का ही न रास्ता हो, शक्ति का भी रास्ता हो और जो हमारा गौरव है उसको हम याद करते हुए एक शक्तिशाली भारत की स्थापना कर सकें। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। सावरकर स्मारक के लिए भी मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमें इस अवसर पर आने का मौका दिया, आपसे बातचीत करने का। बहुत बहुत आभार। जय हिंद। मैं आज के हमारे दूसरे अतिथि हैं श्री आशुतोष पाटिल जी, आप संपादक हैं टीवी 18 के, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक संबोधन के लिए। नमस्कार। आजच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या आपल्या सर्वांना शुभेच्छा। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या स्मृतीला अभिवादन करून आणि आपण सगळे स्वातंत्र्यवीरांच्या विचाराने प्रेरित झालेले आहे या सगळ्या मंडळींबरोबर आज या एका चांगल्या कामात सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली। स्वप्नील सावरकर, रणजित सावरकर आणि आपले सगळे जी मंडळी आहेत तुम्ही अतिशय चांगलं काम करतात, काही थोड्या वेळात मला माहिती मिळाली। तुमच्या सगळ्यांचा सहवास मला या निमित्ताने मिळाला, माझं भाग्य आहे। एवढंच सांगेन की आपल्या हृदयातले भारतरत्न स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या विचारांना जरी आपण आदर्श मानून त्यांच्या विचारांवर पुढे चाललो तरी आपला भारत निश्चितच एक चांगला प्रजासत्ताक होऊ शकतो याची आपल्या सगळ्यांना खात्री आहे। कोणताही राजकीय अभिनिवेश न ठेवता आपली सगळ्यांचीच इच्छा आहे की एवढ्या एका महान व्यक्तीच्या कार्याचा एक गौरव यथोचित व्हावा, ही सगळ्यांच्या मनातली प्रार्थना लवकरात लवकर फलद्रूप व्हावी ही यानिमित्ताने एक सदिच्छा। आम्ही पत्रकार म्हणून प्रसारमाध्यमात काम करत असताना वेगवेगळ्या विचार असतात, पण एक खात्री आम्ही नेहमी बाळगतो की स्वातंत्र्यवीरांच्या विचारांचा अपमान आमच्याकडून कुठेही होता कामा नये आणि एवढ्या एका महान व्यक्तीच्या कार्याचा एक काही अंश जरी आपण पुढे चालू ठेवला तरी या व्यक्तीला एक मोठी श्रद्धांजली ठरेल। पुन्हा एकदा आपण सर्वांनी मला इथे बोलवलं, हा बहुमान दिलात आपले आणि सर्व आपल्या मान्यवरांचे पुन्हा एकदा आभार, धन्यवाद। आप सभी का हमारे प्रमुख अतिथि श्री अनिल मिश्रा जी, आयकर आयुक्त श्री आशुतोष पाटिल जी, संपादक, इसके अलावा हमारे कार्यवाह राजेंद्र वराडकर जी, सह कार्यवाह स्वप्निल सावरकर जी, कमेटी के सदस्य के सरस्वती मैडम, मैं बराबर नाम बन, डॉक्टर अमित नाबर जी, दीपक कांडुलकर जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार, हृदय अंतस्थल से आभार। और वाकई ये हम सबके सौभाग्य का विषय है कि हम लोग स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के इस प्रांगण में आकर आज ध्वजवंदन कर रहे हैं। यह सब हमारे पूर्वजों की देन है जिसकी वजह से हम आज एक स्वतंत्र उन्मुक्त श्वास लेकर अपने ध्वज को वंदन करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद और ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आप